जी तो भाई लोग, सिकंदर मूवी को लेकर अपडेट आ चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है, जिसमें सिकंदर मूवी में हमें सलमान खान का काफ़ी ज़्यादा दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। जी हाँ भाई लोग, अभी इस मूवी को लेकर एक न्यू जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, उसमें बताया जा रहा है कि सलमान खान ने एक और एक्शन सीन कम्प्लीट कर चुका, और वो कौन सा है उसकी डिटेल में आगे आगे आपको बताता हूँ। जी तो भाई लोग, 14 Man Army वाला जो हमें सीन था, जिसकी हमें लीकड फोटेज भी देखने को मिली थी, और इसकी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इस सीन को डिलीट कर दिया जाए, लेकिन भाई लोग इस मूवी में ये सीन कंफर्म हो चुका है, जिसमें सलमान खान 40 Army Man को किल करते हुए नज़र आते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा दमदार लड़ाई होती है। असल में वो आर्मी वाले नहीं होंगे, आर्मी के बेस में आए हुए दुश्मन होंगे। तो भाई लोग, परसों के दिन ही इस एक्शन सीन को कंप्लीट कर दिया है सलमान खान ने, और उसके अलावा इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इस मूवी को लेकर खुलासा किया कि इस मूवी में जो एक्शन है वो सलमान खान के अब तक के करियर का सबसे दमदार और बेस्ट एक्शन है। और भाई लोग, आप सबको पता है कि AR कुरैदोस को कभी भी इनके डायरेक्शन की वजह से हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बंदा कोई ना कोई न्यू शाय हमें दिखाता है। जी हाँ, कोई ना कोई न्यू मूवी में कोई ना कोई न्यू फैक्टर ज़रूर डालता है। अब जबकि उन्होंने सलमान खान को पकड़ लिया है, तो सलमान खान को लेकर वो एक ऐसी फिल्म बनाएंगे अब कि आवाम देखती रह जाएगी। जी हाँ, सिकंदर मूवी में बहुत ज़्यादा हेटर बोल रहे थे कि भाई इस मूवी में जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉपीड हो गए। हालांकि मूवी जब ट्रेलर आएगा तो आप देखिएगा कि कोई ना कोई रीमेक होगा, लेकिन भाई लोग ये मूवी किसी भी हाल में रीमेक नहीं होने वाली, क्योंकि भाई लोग इसमें जितना लेवल का धमाका देखने को मिलेगा, सलमान खान का एक न्यू ही लुक हमें इसमें नज़र आने वाला है, क्योंकि इस मूवी में जो एक्शन सीन डिज़ाइन किया है ना AR कुरैदोस, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और अब तक का सबसे बेहतरीन एक्शन सीन है वो। और आगे आगे आने वाले सलमान खान की पता नहीं कितनी अपडेट्स आनी है, क्योंकि भाई लोग इस मूवी को लेकर आपको पता है कि जितना ज़्यादा ऑडियंस के बीच में हाइप बनी हुई है, उतनी ही ज़्यादा फैन डिमांड कर रहे हैं कि इस मूवी को जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दिया जाए, लेकिन भाई लोग ये मूवी हमें ईद के दिन ही देखने को मिल सकती है।